हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फूड अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ ब्लू बटरफ्लाइज। जब हम ब्लू बटरफ्लाइज को देखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है? ऐसे तो ब्लू बटरफ्लाइज बहुत ही रेयर दिखती है, लेकिन अभी बटरफ्लाइज का मौसम है, हर जगह बटरफ्लाई ही दिख रही है, तो इसलिए हम जानेंगे कि ब्लू बटरफ्लाइज देखने का क्या मीनिंग होता है। उस टाइम पे हमें हमारी एंजल्स बटरफ्लाई के रूप में क्या मैसेज देना चाहती हैं, तो चलिए हम जानते हैं इस बात को। ब्लू बटरफ्लाई जो सिंबलाइज होता है वो होता है ब्यूटी का, जॉय का, ट्रस्ट का, लॉयल्टी का, विजडम का, कॉन्फिडेंस का, इंट्यूशन का, इमेजिनेशन का, इंस्पिरेशन का, एंड कभी कभी डिप्रेशन, स्टबर्नेस, सस्पिशन एंड टिमिडिटी एंड मेलांचोली का ये प्रतीक होता है। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं कि ब्लू बटरफ्लाइज एक तरह से ये विश ग्रांटर होती हैं। हमारी विश पूरी करने की एक सिंबल होती हैं कि ये जब भी दिखाई देती है तो आपको ये बताती हैं कि आपकी कोई विश, कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये आपको ये भी बताती है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो अपनी सेंसिटिविटी पर काम करें, ये भी बताती हैं। ये गुड लक को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये आपको ये भी बताती है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी कुछ नया स्टार्ट होने वाला है और कुछ जो आपने मैनिफेस्ट करा है जॉब को लेकर के या करियर या लव लाइफ को लेकर के या जो कोई भी विश आपने मांगा है वो सब आपका पूरा होने वाला है या आपका लक जो है वो अब काम करने वाला है। ये जब भी आपको दिखाई दे तो आपको मेडिटेशन करने के लिए भी आपको एक तरह से प्रेरित करती हैं कि आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका कलर ब्लू है और ब्लू यानी थर्ड आई चक्र का कलर जो होता है वो होता है, इसलिए ये आपको मेडिटेशन के लिए भी कभी कभी आपका अवेकनिंग के दौरान ये दिखेंगी ज़्यादातर। तो ये आपको अवेकनिंग के दौरान इसलिए दिखती है ताकि आपको मेडिटेशन करने की ये सजेशन देती हैं। ये आपको ये भी बताती हैं कि अब आपकी जो पुरानी ज़िंदगी है वो अब धीरे धीरे बदलने वाली है और एक न्यू लाइफ में आप एंट्री करने वाले हो, आपकी शुरुआत एक नए तरीके से आपके जीवन की होने वाली है। हो सकता है कि आप अपना घर चेंज करें, हो सकता है कि आप कहीं और दूसरे जगह रहने चले जाए, हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए कहीं और दूर जाएं, या हो सकता है कि आपको जॉब कहीं और मिल जाए और आपको अपना प्लेस चेंज करना पड़े, हो सकता है आपकी शादी हो जाए। तो कुछ ऐसे जो सरकमस्टांसेस है वो आपके लाइफ में बनेंगे जो कि आपकी पुरानी ज़िंदगी जो आप जीते आ रहे हैं वो उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी एक विश ग्रांटर की तरह होती हैं और ये आपको अवेयर करती हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी बदलाव होने वाला है। ये आपको ये भी बताती हैं कि आपको इन सारी चीज़ें जो बदलाव हो रही हैं वो जो भी होते जा रही हैं बदलाव, उन पर आपको विश्वास रखना होगा या जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट करा है वो फ्यूचर में आपको ये ज़रूर मिलने वाली हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। ये ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपको ये बताती हैं कि आपको अपनी खूबसूरती पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा बेहतर आपके मन की खूबसूरती है, तो उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जॉय को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए आपको ये भी बताती हैं कि आप हर एक मोमेंट को खुलकर जिए, हर एक मोमेंट का आप आनंद लें। ये आपको ये भी बताती हैं कि आपको अपने डेप्थ में जाकर के पूछना होगा अपने मन से कि आप किस चीज़ों में खुश रहती हैं। आप अपने मन की बात सुने, दिल की बात सुने। ये आपको किसी सिचुएशन में, मान लीजिए कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में और आपको किसी भी उस सिचुएशन पर डाउट लग रहा है ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो ये आपको ये बताती हैं कि आपको आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे, आपको फेथ करना चाहिए अपने आप पर, यूनिवर्स पर, अपने एंजल्स पे, अपने स्पिरिट गाइड पे। तो आप अपने ट्रस्ट को जो है, जीरो ट्रस्ट इशू है, उनको रिजॉल्व करने के लिए कहा जाता है और ट्रस्ट को बनाने के लिए कहा जाता है। ये लॉयल्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी काम करे तो निष्ठापूर्वक करे, मन लगा करके करे, ये आपको ये भी बताती हैं। ये आपको ये भी बताती है कि हर काम को जो है सिंसियरिटी से करें, सच्चाई से करें, उसकी सत्यता जांच लें,
उसकी जांच ले कि इस काम को जो मैं करने जा रही हूँ ये इसमें कहाँ तक मैं सफल हो पाऊँगी और कहाँ तक ये काम मेरे लिए सही है। हर चीज़ों को देख ले, परख ले, सोच ले, तब आप उस काम को करना शुरू कर सकती हैं। ये आपके विजडम को भी रिप्रेजेंट करती है, तो आपको ये भी बताती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें इस काम में, आप अपना दिमाग चलाएं। तो जो कुछ भी काम आप शुरुआत करने जाते हैं तो उस समय आपको ये ज़रूर दिखाई देंगी। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये आपको बताती हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को हाई रखें जिससे कि आप आगे बढ़ते जाएं। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं करना है आपको, ये आपको हाई कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपको इनकरेज करती हैं। ये आपको ये भी बोलती हैं जब भी आप अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो या आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की ओर जब बढ़ती है, तो हमें तो पता नहीं चलता है फ्रेंड्स कि हम स्टेबल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। हमें तो लगता है कि हमारे जीवन में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है या, लेकिन ये धीरे धीरे, ये जो मैनिफेस्टेशन होती है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन उस समय आपको अवेयर कर देती है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रही है। अब ये हेवन को भी रिप्रेजेंट करती है, तो कभी कभी आपको हेवन से जो आपके जो पितृ लोग होते होंगे, एंजल्स होंगी, तो उस ओर से भी जो है आपको आशीर्वाद और ब्लेसिंग देने के लिए भी कभी कभी ये आती हैं। ये आपके इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी आपकी बुद्धिमानी को रिप्रेजेंट करता है, आपके इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बताती हैं कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो इंट्यूशन, इमेजिनेशन और एक्सपेंसिवनेस की को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो हर चीज़ को ना बड़े लेवल से सोचें, क्योंकि जब आप बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा कर पाएंगे। छोटे लेवल पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जब अगर छोटा सोचेंगे तो उससे भी निम्न दर्जे पर आपकी सोच जाएगी या फिर आपको अचीवमेंट मिलेगा। इसलिए हमेशा जो ख्वाब देखें या फिर जो भी करने का सोचें वो हमेशा एक बड़े लेवल का देख करके सोचें और उसको ही पूरा करने की कोशिश करें। ये मत सोचे कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे हो ही नहीं सकता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखें और हमेशा बड़ा सोचने का, बड़ा करने का जो है जीवन में आगे बढ़ने का इस तरह से सोचें। आपको अपनी इमेजिनेशन को बहुत ही हाई लेवल का रखना है। तो ये आपको ये भी बताती हैं, आपको अपने इंट्यूशन के सुनने के लिए कहती हैं। ये आपको ये भी कहती है कि आपको जो भी फ्रीडम मिला है उसको आप इंजॉय करें, जितने भी आपको ये, अगर आप किसी से इंस्पायर होते हैं या कोई सिचुएशन आपके साथ आती है या कोई अच्छा व्यक्ति जिनकी बातें आप सुन रहे हैं, तो आपको ये भी बताती है कि आप उनसे इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी ना फ्रेंड्स कि ये जो बटरफ्लाई होती है जो कि मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो मैं अक्सर बटरफ्लाइज़ के हर एक कलर को देखती हूँ अपने गार्डन में या फिर कहीं भी ट्रैवल करने जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखती हैं। तो एक स्काई ब्लू कलर की जितनी भी बटरफ्लाई आपको दिखेंगी, जो स्काई ब्लू जो कि स्काई के कलर का होता है, तो लाइट कलर का ब्लू कलर का होगा वो, और वो बहुत रेयर दिखती है, कभी कभी ही दिखेगी। मुझे अब तक मुझे लगता है कि 4 से 5 बार ही दिख चुकी हैं। तो वो जब भी मिले आपको दिखाई दे, तो उससे आप एक विश मांग लें। कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट स्टेशन करना हो या कोई विश मांगना हो, तो उस समय एट अ टाइम एक विश मांग ले, क्योंकि वो तुरंत ही आपकी विश जो भी आप मांगते हैं उसको मैनिफेस्टेशन को धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वो पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो ये विश ग्रांटर होती है, ये आपको बताती है कि आपकी कोई विश जो है बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो इसको मैंने आजमाया भी है जो कि ये बिल्कुल सही है। और एक और भी ब्लू कलर की मॉर्फो बटरफ्लाई होती है, तो मॉर्फो बटरफ्लाई या फिर कभी कभी आपको ये भी दिखेगी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एनीवे मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन जो बटरफ्लाई होती है वो डीप कलर की होती है, ब्लू कलर की, और उस पर ना डॉट डॉट बने होते हैं ब्लैक कलर के, तो ब्लैक और ब्लू कलर मिक्स होगा, तो वो वाली जो बटरफ्लाई होगी, तो वो बटरफ्लाई जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है डिप्रेशन को, स्टबर्न को, सस्पिशन को, अनरिलायबिलिटी को एंड सेल्फ केयर रिप्रेजेंट करती है, मेलांकोली को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो जब भी आपको ये दिखाई दे, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करा था कि
जब मुझे डॉट डॉट और ब्लैक वाली जब दिखाई देती थी तो मेरा कोई भी काम जो होता था वो उसमें वेट आ जाता था, क्योंकि ब्लैक कलर भी उसमें मिक्स है तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि ब्लू कलर में, यानी कि आपके मैनिफेस्टेशन में थोड़ा डिले होगा। आपको आपको ना उस समय आप अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा संदेह करने लगोगे। तो आपको ये भी बताती हैं कि इसमें आपको संदेह नहीं करना, आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको अपने फैसले पे संदेह नहीं करना चाहिए, आपको हट ही नहीं होना चाहिए, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। कई बार होता है ना कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के काम से बाहर जाती हूँ और यूनिवर्सिटी के काम में जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ या करवा रही हूँ तो उस टाइम पे क्या होता है कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो कई बार दौड़ा भागी हो जाती है। तो मुझे ये बटरफ्लाई ज़रूर दिखती है और मैं सच में उस टाइम पे लगता है टेंशन में आ जाती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ये दिखना शुरू हो जाती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं इस काम को लेकर के। आपको ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहना है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले है, तो ये भी ये चीज़ को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं आपके मन में भीतर में अगर डर बैठा हुआ है तो आपको बोला जाता है कि आपको जो है ज़्यादा उदास नहीं रहना है, आपको अपने भीतर के डर को ख़त्म करना है। आपको जो भी आप विश्वास नहीं कर रहे किसी भी चीज़ों पे तो आपको विश्वास करना है। आप किसी भी फैसले पे संदेह ना करें, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा, भले ही थोड़ा सा डिले में पूरा हो लेकिन वो ज़रूर पूरा होगा। इसलिए आप ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहें और ज़्यादा किसी बात को लेकर के हट ना करें, कोई किसी बात को लेकर के ज़िद्दी ना बन जाए। तो कभी कभी ये हमें जो उसके कलर मिक्स कलर जो होते हैं वो भी हमें ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, आगे और भी कुछ न्यू होगा तो मैं और भी लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।